नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चैमासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के जिले की खबरों पर। चैबासा का सदर अस्पताल लगातार हाईफाई होता जा रहा है। मरीजों के बेहतर इलाज के लिए नई नई अत्याधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था हो रही है। यहाँ बंद कर तैयार मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर और अत्याधुनिक उपकरणों से लैस SNCU का आज उद्घाटन हुआ। चैबासा के विधायक दीपक बिरवा ने मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर और SNCU का शुभारंभ किया। मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर बैक्टीरिया फ्री होगा, यहाँ तक कि एयर और फ्लोर भी बैक्टीरिया मुक्त होंगे। यहाँ तकनीकी लेंस से परिपूर्ण उपकरणों के साथ चिकित्सकों के लिए पर्याप्त सुविधा स्थान और अत्याधुनिक मशीन उपलब्ध है। यहाँ 12 बेड की सुविधा है। वहीं SNCU में नवजात बच्चों के लिए समुचित व्यवस्था होगी। यहाँ 10 बेड की सुविधा उपलब्ध है। विधायक दीपक बिरवा ने कहा कि मॉड्यूलर OT और SNCU इस जिला और क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसका समुचित उपयोग किया जाना चाहिए। मरीजों के साथ नवजात शिशुओं के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। रेफर किए जाने की स्थिति अब खत्म होगी। इलाज की समुचित व्यवस्था होगी। सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पॉल ने विधायक से मरीजों की सुविधा के अस्पताल में लिफ्ट की जरूरत बताई। इस पर विधायक ने लिफ्ट के लिए स्थल का निरीक्षण भी किया। कहा कि मरीजों की सुविधा के लिए लिफ्ट का निर्माण जिला मद से कराने का प्रस्ताव भेजेंगे। विशेषज्ञ डॉक्टरों की भी कमी दूर कराया जाएगा। कृषि उपज एवं पशुधन विपणन विधेयक 2022 के विरोध में शनिवार को चैबासा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, पश्चिमी सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और थोक खाद्यान्न संघ की ओर से पोस्ट ऑफिस चौक में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख का पुतला दहन किया गया। फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने 8 फरवरी को राज्य स्तरीय बैठक में लिए गए निर्णय के तहत चैबासा चेंबर, पश्चिमी सिंहभूम चेंबर और थोक खाद्यान्न संघ ने कृषि मंत्री का पुतला दहन किया। चैबासा चेंबर के अध्यक्ष मधुसूदन अग्रवाल ने कहा कि 12 फरवरी को इस विधेयक के बारे में स्थानीय विधायक को स्थिति से अवगत कराया जाए। विधेयक के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखा गया है। उन्होंने कहा कि 15 फरवरी तक हमारी मांगे नहीं मानी गई तो पूरे राज्य में खाद्यान्न व्यवसायी, कृषि उपज से संबंधित उद्योगों और कृषि उपज से संबंधित प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया जाएगा। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के निर्देशानुसार कृषि उपज एवं पशुधन विपणन विधेयक 2022 के विरोध में राज्य भर में चलाए जा रहे क्रमबद्ध आंदोलन के क्रम में आज दिनांक 11 फरवरी को कृषि मंत्री बादल पत्रलेख का पुतला दहन का कार्यक्रम निर्धारित था। विगत 8 फरवरी को राज्य स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया था। इसमें राज्य भर से 1500 व्यवसायियों ने भाग लिया था और सभी ने एक स्वर में इस विधेयक के विरोध में ये क्रमबद्ध आंदोलन की रूपरेखा तय की थी, जिसके तहत आज 11 तारीख को पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है। कल दिनांक 12 तारीख को इस विधेयक के विरोध में इस विरोध के दुष्प्रभाव से स्थानीय विधायक को हम सभी अवगत कराएंगे। इस संबंध में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी पत्र लिखा गया है। अगर 15 फरवरी तक हमारी मांगे नहीं मानी गई और इस विधेयक को निरस्त नहीं किया गया तो 15 फरवरी से संपूर्ण झारखंड राज्य में खाद्यान्न व्यवसाय को बंद कर दिया जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम चेंबर के अध्यक्ष राजकुमार अग्रवाल ने कहा कि सरकार का लाया गया विधेयक आपत्तिजनक है, क्योंकि 2% शुल्क लेने से झारखंड में कृषि उत्पाद का मूल्य बढ़ जाएगा, जबकि पड़ोसी राज्य उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में कृषि शुल्क नहीं लिया जाता है। कृषि शुल्क लेने से यहाँ व्यापार कम होगा और सभी कृषि उत्पाद के दाम बढ़ जाएंगे, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। सरकार का विधेयक आपत्तिजनक इसलिए क्योंकि वो 2% जो कृषि शुल्क लेंगे वो शुल्क से क्या होता है कि हमारा झारखंड में
कृषि से उत्पादित वस्तुओं का भाव बढ़ जाएगा। जैसे कि ज्ञात है हमारा पश्चिम बंगाल उड़ीसा में ये कृषि शुल्क नहीं लिया जाता है, और यहाँ कृषि शुल्क लेने से यहाँ का व्यापारी कम होगा, व्यापार कम होगा और सब वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे। तो आगे आज के बाद का क्या? आज के बाद का हम लोग फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स के तहत हम लोग क्रमबद्ध आगे बढ़ रहे हैं। कल हम लोग प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखे हैं, आज कृषि मंत्री का पुतला दहन था, और इसके बाद कल जो है हम लोग स्थानीय विधायक सांसद को पत्र के द्वारा सूचित करेंगे, और उसके बाद अगर 15 तारीख तक सरकार नहीं मानती है तो 15 तारीख से संपूर्ण झारखंड में कृषि व्यवसाय से संबंधित उद्योग बंद रहेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से आज व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 4,222 मामलों का निष्पादन करते हुए 2,75,00,000 रुपए की राशि का समायोजन हुआ। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में गठित कुल 11 बेंचों में मामलों की सुनवाई करते हुए 4,222 वादों का सफल निष्पादन किया गया। 2,75,58,209 रुपए की राशि का समायोजन भी हुआ। लोक अदालत के माध्यम से विभिन्न मामलों के लाभुकों को पीड़ित मुआवजा राशि योजना के अंतर्गत चेक के द्वारा मुआवजा राशि का भी वितरण प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा किया गया। आज राष्ट्रीय लोक अदालत के साथ विधिक जागरूकता शिविर का भी आयोजन किया गया। शिविर के माध्यम से लोगों को उनके दीवानी से सुलहनीय आपराधिक मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु लोक अदालत का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत विभिन्न प्रकार के वादों को सुलझाने का एक सक्षम और सुलभ माध्यम है, जिसमें लोग अपने सुलहनीय मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए आवेदन करते हैं। लोक अदालत के जरिए ज्यादा मामलों के निष्पादन से न्यायपालिका पर वह भी कम होता जा रहा है। आज नालसा के आदेश पर पूरे देश में सभी जिला न्यायालय में और जो भी अदर कोर्ट्स हैं कहीं रिमोट में उन सभी कोर्ट में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी प्रकार के मामले जो कंपाउंडेबल केसेज हैं, फॉरेस्ट केसेज हैं, एक्साइज केसेज हैं, NI एक्ट के मामले हैं, मैट्रिमोनियल केसेज हैं, सिविल केसेज हैं, या मिसिटी के मैटर्स हैं, या अदर कंपाउंडेबल नेचर के जो मामले हैं, उन सबको आपसी सुलह समझौता के आधार पर उनका निस्तारण किया जाएगा, उनका निपटारा होगा, और जो इसमें कैसे निपटारा होंगे उनकी सबसे बड़ी खास बात क्या होगी, उसका अपील नहीं हो सकता है, और उसमें कोर्ट फी अगर दे दिए हैं तो कोर्ट फी वापस हो जाएगा, और कोर्ट फी भी नहीं दिए हैं तो कोर्ट फी उनका जो है नहीं लगेगा, कोर्ट फी से एग्जेम्प्टेड होगा, ये उनका फ़ायदा होगा। मेन तो फ़ायदा कि अपील नहीं होगी और कोर्ट फी नहीं लगेगा और उनमें आपस में भाईचारा डेवलप होगा, ये इसका मुख्य उद्देश्य। और जो जुडिशरी पर लोड ज़्यादा है तो सुलह के आधार पर जो किसी निकल जाएंगे तो उसका भी लोड कम होगा, जो उनका समय ज़्यादा लगता वो समय उनका बचेगा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू राजाबाड़ी गली सदर बाजार चायवासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस, DAV स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, SPG मिशन, संत विवेका, रूंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारे नीलम शू राजाबाड़ी गली सदर बाजार चायवासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। टोंटो प्रखंड के सुदूरवर्ती पालीसाई में प्रखंड कैंप कार्यालय अपने मूर्त रूप में आ चुका है। शनिवार को पालीसाई स्थित कैंप कार्यालय में ग्रामीणों की भीड़ अपनी समस्याओं के निदान के लिए लगी रही। प्रशासनिक पदाधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में
ग्रामीणों की भीड़ देखकर यह स्पष्ट हो गया कि पालीसाई में प्रखंड कैंप कार्यालय शुरू करना जनहित में अति आवश्यक था। चाबासा विधायक दीपक बिरुआ भी आज पालीसाई कैंप कार्यालय पहुंचे और वस्तु स्थिति से अवगत हुए। अधिकांश लोग वृद्धा पेंशन, आधार कार्ड बनवाने एवं संशोधन कराने की प्रक्रिया कराते दिखे। विधायक ने कहा कि पालीसाई में प्रखंड कैंप कार्यालय शुरू होने से ग्रामीणों की बड़ी समस्या दूर हुई है। कैंप कार्यालय को व्यवस्थित किया जाएगा, जो भी आवश्यक संसाधन है उपलब्ध कराया जाएगा। विधायक ने लोगों के बीच जाकर समस्याओं को सुना और निवारण भी बताया, पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों, झामो कार्यकर्ताओं, समर्थकों को कैंप कार्यालय दिवस सोमवार और शनिवार को उपस्थित होकर ग्रामीणों की समस्या दूर कराने में सहयोग की अपील की। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में 14 फरवरी से आयोजित 43वीं नेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पश्चिमी सिंहभूम के 24 मास्टर एथलीट विभिन्न स्पर्धाओं में अपना जलवा बिखेरेंगे। मास्टर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित इस चैंपियनशिप में पश्चिमी सिंहभूम के 35 से अधिक आयु वर्ग के एथलीट विभिन्न स्पर्धाओं में अपना जलवा बिखेरने के लिए तैयार हैं। पश्चिमी सिंहभूम के चैंपियन मास्टर एथलीट विजय बाड़ा ने बताया कि दिसंबर 2022 में जमशेदपुर में हुए मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किए गए उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर कोलकाता में आयोजित चैंपियनशिप में भाग लेने का अवसर मिला है। सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पॉल ने स्वास्थ्य विभाग के कार्यों और कार्यक्रमों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में पदाधिकारियों के साथ प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कई तरह के अभियान और कार्यक्रम चलाए जाते हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं भी मुहैया कराने की जिम्मेदारी होती है और इन सब के बारे में रिपोर्ट को भी अपडेट रखना होता है। इन सारी चीजों के बारे में सिविल सर्जन ने बारी बारी स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न विभागों और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों से जानकारी ली। पूरा देश डिजिटलाइजेशन की ओर लगातार अग्रसर है, ऐसे में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को डिजिटल सेवा को लेकर ज्यादा सक्रिय रहने का निर्देश दिया गया। जिन प्रखंडों का कार्य संतोषजनक नहीं रहा, उन्हें डांट फटकार भी लगाई गई। कार्य को बेहतर करने का निर्देश दिया गया। मीटिंग था, इसको इस सिलसिले में रखा था कि 15 को एक डीसी महोदय के यहाँ एक जो डिस्ट्रिक्ट रिव्यू मीटिंग होती है वो हम लोगों का डीओ है 15 तारीख को, तो उससे पहले एक बार रिव्यू करना चाहते थे कि कहाँ पर कमियाँ हैं, कहाँ पर ये है, उसको हम लोग किस तरह से सुधार कर सकते हैं, तो क्या वजह से कमी है, वही देखने के लिए आज मीटिंग कॉल किया था। तो मीटिंग में जितनी भी चीज़ जो प्रॉब्लम था, जैसे RCH में मतलब इम्यूनाइजेशन में और नीति आयोग के इंडिकेटर्स में, उसको बोला कि एक बार ठीक से देखने के लिए और उसको अगर डेटा एंट्री में एरर है तो उसको ठीक करने के लिए, नहीं तो और उसको फील्ड में किस तरह ठीक करा सकते हैं। दूसरा MYC लोगों को निर्देश दिया कि एटलीस्ट ईमेल, ई ऑफिस और ये सब चीज़ें जो हैं जो डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ने की बात है, तो उसमें कम से कम वो लोग अपने से भी तो देखें, अपने से उस पर इंट्रोस्पेक्ट करें कि आखिर क्या है और क्या नहीं है, क्या कमी है हम लोगों की, उसको कैसे हम लोग दूर कर सकते हैं और इससे बेहतर इलाज कैसे कर सकते हैं लोगों का, और उन तक स्वास्थ्य की सुविधा हम कैसे पहुंचा पाएंगे। ये हर MYC को खुद को जानना चाहिए, सिर्फ DPM को या BPM को नहीं जानना चाहिए, उन लोगों को भी जानना चाहिए। इसी पे स्ट्रेस था और इसी तरह का एक रिव्यू था जिसमें अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो सामने आया और उस प्रॉब्लम को कैसे दूर करना है ये समझ आ पाए। योजनाएं जो हैं स्वास्थ्य विभाग की और कार्यक्रम जो हैं उनकी समीक्षा के दौरान क्या स्थिति नज़र आई? देखिए, कुछ कुछ ब्लॉक्स रियली में ख़राब हैं, जैसे हर इंडिकेटर में बनगांव नज़र आ रहा था, तो बनगांव MYC से पूछा कि भाई आप इसको कैसे ठीक करोगे, एटलीस्ट कुछ ना कुछ जो बेहतर हो जो लोगों के लिए, वहाँ के लोगों के लिए जो अच्छा हो, वो उस तरह से करना है। तो इस तरह से और भी ब्लॉक्स जो है
रेगुलर कुछ कुछ इंडिकेटर्स जो बहुत कम थे, जैसे मनोहरपुर हो गया, मंझारी हो गया, मझगांव हो गया, इस पर ज़्यादा स्ट्रेस डाल रहा है और इसको हम चाहे कोशिश हम लोग यही करेंगे इस पर फोकस करके और इसको अच्छा से अच्छा बना देते ताकि सरकार की योजना अच्छे से लागू हो सके। जिला नियोजनालय चाईबासा के तत्वावधान में स्कूल नेट इंडिया लिमिटेड रांची के द्वारा विभिन्न पदों के रिक्तियों के विरुद्ध चयन और नियुक्ति के लिए 13 और 14 फरवरी को भर्ती कैंप का आयोजन किया गया है। भर्ती कैंप में योग्य इच्छुक उम्मीदवार अपना झारखंड के किसी भी नियोजनालय में निबंधन कराकर 13 फरवरी को सरकारी ITI कैंपस चाईबासा और 14 फरवरी को प्रखंड परिसर जगन्नाथपुर में सुबह 10:30 बजे से साक्षात्कार के लिए शामिल हो सकते हैं। आदिवासी सिंगल अभियान कोल्हान जोन के कार्यकर्ताओं द्वारा सरना धर्म कोड लागू करने, मरांग बुरु को जैनियों के कब्जे से मुक्त कराने, संताली को झारखंड की प्रथम राजभाषा बनाने, असम अंडमान के आदिवासियों को ST का दर्जा देने आदि मांगों को लेकर आज हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग को चक्रधरपुर रेल मंडल के डेरोवा रेलवे स्टेशन में करीब 1 घंटे तक जाम रखा। रेलवे ट्रैक जाम किए जाने की सूचना मिलने के बाद गोइलकेरा से पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने वार्ता कर रेल चक्का जाम खुलवाया। मौके पर आदिवासी सिंगल अभियान के द्वारा मांग पत्र भी सौंपा गया। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए खबरों के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।